हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूँ एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि स्पेस साइंस से है, जो कि करंट अफेयर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो देखिए, चाइना ने आज लॉन्च कर दिया है स्पेस कोर मॉड्यूल, उसका नाम है तियाने, TINHAE। तो यहाँ पर जो चाइना ने लॉन्च कर दिया है, तो इसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे। चाइना एक स्पेस स्टेशन इन अंतरिक्ष में बनाने जा रहा है, तो उसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। उसका एक कोर मॉड्यूल है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। आपने देखा कि चाइना ने लॉन्च कर दिया स्पेस कोर मॉड्यूल, और जो चाइना स्पेस स्टेशन बनाएगा अंतरिक्ष में, उसका नाम होगा तियानगोंग, जो आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में दिख रहा है। उसका नाम होगा चाइनीज स्पेस स्टेशन का तियानगोंग। ये चाइना स्पेशली अपने लिए बना रहा है, इसमें किसी भी देश का पार्टिसिपेट वो नहीं कर रहा है। तो देखिए, चाइना ने लॉन्च कर दिया कोर मॉड्यूल स्पेस स्टेशन, उसके बाद यह जो है इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है चाइना के लिए, और यह बहुत ही एम्बिशियस प्लान था। और उन्होंने यह जो स्पेस स्टेशन बना रहा है, परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस के लिए बना रहा है, तो एक परमानेंट ह्यूमन स्पेस स्टेशन होगा। उसके बाद देखते हैं, तो द मॉड्यूल दैट वाज लॉन्च्ड इट इज कॉल्ड तियाने। जो अभी मॉड्यूल लॉन्च किया गया है उसका नाम तियाने है, और जो स्पेस स्टेशन बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, तियानगोंग। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से उसका स्पेस स्टेशन बनने वाला है चाइना का, जिसका नाम होगा तियानगोंग। तियानगोंग मींस, तियानगोंग एक चाइनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हेवनली स्पेस, मींस अंतरिक्ष में स्वर्ग। और यह जो स्पेस स्टेशन कब काम करना स्टार्ट कर देगा, तो यह जो है 2022 से काम करना शुरू कर देगा। अभी जो कोर मॉड्यूल लॉन्च हुआ है, उसके अलावा अभी 7 और कोर मॉड्यूल जो है चाइना का भी लॉन्च करना है, तभी जा करके कंप्लीट होगा। अभी जो 7 कोर मॉड्यूल लॉन्च होगा, उसको सबको जाकर असेंबल करेगा स्पेस में, तभी जाके एक कंप्लीट स्पेस स्टेशन बनेगा। और जब ये कंप्लीट बन जाएगा, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने यह कहा है कैसा दिखेगा, तो ये रशिया का मीर स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है रशिया का, कुछ उस तरह से दिखेगा, मीर वाजे रशियन स्पेस स्टेशन। और यह 1980 से 2001 के बीच में काम करता था, जो कि अभी खत्म हो गया है। द चाइनीज स्पेस स्टेशन तियानगोंग विल ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में, तो यह जो है लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाएगी, और 400 से 450 किलोमीटर इसका जो है हाइट होगा अर्थ से, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में। और कितना है इसका हाइट, 400 से 450 किलोमीटर के बीच। और लाइफ स्पेन जो है यह स्पेस स्टेशन का 15 साल के लिए यह कार्यरत होगा। और उसका वजन देखा जाए तो 90 टन, इस 90 टन है इसका वजन पूरे स्पेस स्टेशन का। और देखा जाए तो साइज जो है तियांगोंग स्पेस स्टेशन का कितना होगा, क्वार्टर साइज ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो पहले से है उसका 1/4, यानी चौथा ई की तरह उसका साइज होगा, 1/4 साइज में होगा, मतलब उससे छोटा होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में हम जान लेते हैं, यह अभी कार्यरत है, और इसको जो बनाया गया है किन देशों के सहयोग से, तो इसको कोलेब्रेशन किया है US, कनाडा, रशिया, जापान और यूरोप ने मिलकर के इसको बनाया। और यह रिटायर हो जाएगा 2024 में, तो ISS जो है इस जो 2024 में रिटायर हो जाएगा। उसके बाद देखें तो टर्मिनेशन ऑफ द कोलेब्रेशन, जो रशिया जो है इससे पुल आउट हो जाएगा ISS से। उसके बाद रशिया का प्लान है कि वह 2025 में एक अपना सेपरेट स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। आफ्टर ISS रिटायर होने के बाद देखा जाए तो तियांगोंग विल बी द वनली स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो 2024 में ISS रिटायर हो जाएगा, तो सिर्फ चाइना का ही एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बचेगा, जो कि अर्थ की चक्कर लगाता वह आपको दिखेगा। तो अब देखते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है यह 2024 में रिटायर हो जाएगा। उसके बाद रशिया एक अपना सा सेपरेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी लॉन्च करेगा, और उस समय देखा जाए तो सिर्फ चाइना का ही 2025 में एक तियांगोंग एक कार्यरत होगा। उसके अलावा देखा जाए तो जहां तक इसरो की बात है, तो इसरो 2030 में एक अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला था,
लेकिन अभी जिस तरह से COVID-19 चल रहा है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट, अभी गगनयान मिशन भी पेंडिंग में ही है, लेकिन बहुत जल्दी ही भारत भी एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा, ऐसा हम भी कामना करते हैं। देखते हैं, यहाँ पे लूनार मिशन है, तो लूनार मिशन जो है यह चंद्रमा से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से कुछ है कि द चाइनीज आल्सो प्लानिंग टू बिल्ड ए सेपरेट लूनार स्पेस स्टेशन विद रसिया। तो चाइना और रसिया मिलकर के एक लूनार स्पेस स्टेशन मतलब बनाना चाहता है चंद्रमा पर, एक स्टेशन या उसकी कक्षा में, जिस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हुआ, जो कि अभी स्पेस स्टेशन बना रहा है वो पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है। जब लूनार स्पेस स्टेशन बनाएगा तो वो तो चंद्रमा का चक्कर लगाएगा, या तो चंद्रमा के सरफेस पर इस तरह का कुछ होगा। तो यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, एक यहाँ पर जो है चंद्रमा के सरफेस पर एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है, जिसमें कि वहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट पहुंच करके अपना प्रयोग कर सकते हैं प्रयोगशाला में। तो यहाँ पर स्पेस स्टेशन रसिया और चाइना दोनों मिलकर के आने वाले दिनों में लॉन्च करने वाला है। तो ये भी एक न्यूज था इम्पोर्टेंट। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, इस तरह के मैं अपडेट लेकर के आते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।